तो हेलो इन्वेस्टर्स, आज की दूसरी वीडियो और ये वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे आपको एक स्टॉक के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जिसमें आप अच्छा रिटर्न बना सकते हैं फ्यूचर में। अच्छा पोटेंशियल लग रहा है मार्केट में। सबसे सबसे सस्ता एक जो कंपनी आप बोल सकते हैं वो कंपनी उस सेक्टर में और मार्केट का सबसे सस्ता कंपनी आपको वहाँ पर मिलने वाला है। आज उस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, ब्रेकआउट देने वाला है, तो ब्रेकआउट में भी यहाँ पे बात करेंगे। ब्रेकआउट में क्या पॉसिबल जो हमारे लेवल्स हो सकते हैं वो मिलने वाले हैं और एक जो इम्पोर्टेंट लेवल जिसका हमें वेट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप नहीं वेट करेंगे तो ट्रैप हो सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कंपनी हमारी वन ऑफ द लार्जेस्ट और वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी है हमारे इंडिया में। 60 ईयर्स ऑफ सर्विसिंग कंपनी ने दे चुकी है इंडिया को, बाकी और देशों को। कंपनी की प्रोफाइल बताऊं तो कंपनी फ्लोरीन अलॉय में है, उसके बाद कंपनी माइनिंग और पावर जनरेशन में है। तो फ्लोरीन अलॉय की अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर निकल के आता है, जो कि ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसर है फ्लोरीन क्रोम का इंडिया के अंदर। और इसकी जो कैपेसिटी है 2,84,400 टन पर एनम की, और ये वर्क और कर रहे हैं कि ये फुल यूटिलाइज कर सके अपनी सारी रिसोर्सेज का। उसके बाद माइनिंग की जो इनकी फैसिलिटी है वो भी है, यहाँ पे माइनिंग भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो अभी फ्यूचर बिजनेस है जो कि पावर का है, पावर में यहाँ पे कंपनी के पास 204 मेगावाट का कंप्लीट पावर है, जिसमें बहुत सारी ब्रेकडाउन है, जिसमें जैसे कि आप देख सकते हैं 50 वाट कोल बेस का है और 30 वाट जो है मिक्स फ्यूल है, यानी जो गैसेस और फ्यूल मिक्स जो होते हैं मिक्स फ्यूल से जो पावर बनता है वो उसका है। उसके बाद यहाँ पे 4.5 मेगावाट सोलर पैनल भी यहाँ पे कंपनी ने यूटिलाइज कर रखे हैं, और ये चीज़ें और भी आगे बढ़ने वाली है, बिकॉज जनरली बात यही है कि कंपनी जो भी हो पावर सेक्टर में है तो वो वहाँ पे आगे जाके पावर सेक्टर में ही कंपनी काम करने वाली है। लो डेंसिटी एग्रीसिट में भी कंपनी काम करती है, और ये इनके कुछ मेन बिजनेस है जो फेमस है और उसके बाद जहाँ से कंपनी पैसा कमाती है मेनली। अगर ये बताऊँ, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो IMFA कंपनी का नाम है, और अगर मैं इन्हें बेसिक लैंग्वेज में बात करूं जिसमें लोग बात करते हैं तो इंडियन मेटल्स कंपनी से आपने नाम सुन रखा होगा। अब यहाँ पे नाम तो सबने सुन रखा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन बात करें तो 2400 करोड़ की, जो कि बहुत छोटी है, और यहाँ से एक अच्छा ग्रोथ यहाँ पे कंपनी कर सकती है। पी जो बात करें 5.65 का है, और यहाँ पे अगर इसके सेक्टर की बात करें तो सेक्टर में माइनिंग मटेरियल्स और मेटल्स के सेक्टर के अंदर जो कि सबसे कम पी अभी फिलहाल है वो है इंडियन मेटल्स का। उसके बाद आता है NMDC, और अब यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ। आप बोलेंगे NMDC है उसका तो सेल्स भी ज़्यादा होता था, लेकिन क्यों मैं ये स्टॉक क्यों नहीं ले रहा। सबसे पहले NMDC की बात कर लेते हैं, 4 का PE है, बिल्कुल सही है, और ये स्टॉक और इस स्टॉक में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, बिकॉज ये स्टॉक इस स्टॉक से बहुत ज़्यादा छोटा है और बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे 26,000 की तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी सेल्स करती है NMDC। अब ये स्टॉक क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है, और जैसा कि आपको पता है मेरे को पर्सनली गवर्नमेंट कंपनियाँ पसंद नहीं है। क्यों, इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो मेरा ओपिनियन है वो है गवर्नमेंट कंपनियों के पास सब चीज़ है, पावर है, यूटिलाइजेशन है और जनरेशन का उसके पास वो है, एक्सेस है सभी चीज़ों का, लेकिन उसके बाद भी पावर जो भी कंपनियाँ गवर्नमेंट कंपनियाँ हैं जो कि पावर जनरेशन मटेरियल हैंडलिंग में है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड किया जाता है मार्केट को द्वारा। और अगर मैं आपको ये स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सलाह दूंगा तो शायद आप इसमें ट्रैप हो जाए, इसलिए मैं कभी भी आपको गवर्नमेंट स्टॉक बताने से बचता हूँ। और उसके लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो गवर्नमेंट स्टॉक अगर आप छोड़ दें, यहाँ पे जितने भी प्राइवेट स्टॉक है सबसे सबसे कम पी वाला अपना ये इंडियन मेटल्स यहाँ पे आता है। अब यहाँ देखिएगा, कंपनी में बहुत सी चीज़ें हैं जो फैक्टर है जो आपको ध्यान रखना होता है, तो इस चीज़ के लिए अगर मैं बताऊँ तो 656 करोड़ का कंपनी के पास डेप्ट है, और इसे कंपेयर करूँ इक्विटी से तो 0.4% का हो जाता है, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। यहाँ से आगे बात करें तो कंपनी का रिजर्व है तो 1400 करोड़ से ऊपर के रिजर्व से कंपनी सेल्स करती है 2422 करोड़ का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सेल्स ग्रोथ की बात करें 3 साल में तो 1% की है, लेकिन आगे आने वाला फ्यूचर इन सारी कंपनियाँ जो माइनिंग कंपनी है, फ्लोर केमिकल अलॉय कंपनियां हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री का पी चलता है 13 का, कंपनी का पी 5 का है, तो बहुत ज़्यादा अभी ऊपर की साइड वैल्यू मिल सकती है कंपनी को। कंपनी है यहाँ पे राउंडिंग बॉटम के साथ, अभी रीटेस्ट हो रहा है लेवल्स का, यहाँ से ब्रेकआउट मिल सकता है, और जो लेवल्स होंगे वो जरूर हम आपके साथ अभी डिस्कस करने वाले हैं। अब ये देखिएगा, कंपनी के जो प्रीवियस रिजल्ट आए थे वो क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस में 425 करोड़ से 655 करोड़ बढ़े थे, एंड जो अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट 32 करोड़ से 112 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिला है, बहुत अच्छा जंप है। ईयर बेसिस बात करूँ TTM में ऑलरेडी बहुत अच्छा कंपनी कर चुकी है, और प्रॉफिट के मामले में तो डबल से भी ज़्यादा कंपनी ने प्रॉफिट अपना जनरेट किया है। यहाँ पे देख सकते हैं 581% का कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है इस
इस टीटीएम के अंदर। और अगर टीटीएम की सेल्स ग्रोथ की बात करूँ, 47% की ग्रोथ है पिछले कुछ सालों से। अब ये चीज़ें सब चीज़ें हैं जो एट्रैक्टिव भी लगती है कंपनी में। और पिछले एक साल से अगर कंपनी की ग्रोथ भी बात करूँ स्टॉक वाइज, तो 91% की रिटर्न दे चुकी है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग्स है और कितनी होल्डिंग्स अभी कंपनी के पास है बनी हुई, 58 की होल्डिंग्स थी 2019 में और सेम होल्डिंग 2022 में, एक भी स्टॉक इधर से उधर नहीं गया प्रमोटर्स का। हालांकि FII यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं आपको दिसंबर और मार्च क्वार्टर में। यहाँ से अगर मैं बात करूँ DIS यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है अभी फिलहाल, और पहले भी 0 कुछ समथिंग थे जो कि अब पूरी तरीके से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से बात करें पब्लिक के अंदर मैंने आपको बताया था एक जो है यहाँ पे एक अच्छा पब्लिक फिगर आने वाला है यहाँ पे कंपनी के अंदर, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि कंपनी और अब इसके टेक्निकल्स लेवल्स की जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए, ध्यान रखना कि अगर आप स्टॉक ले रहे हैं तो आप किस चीज़ का ध्यान रखें। राउंडिंग बॉटम बन रहा है यहाँ पे, अगर राउंडिंग बॉटम की एग्जैक्ट लेवल ब्रेकआउट बताऊँ तो ये होता है 422 रुपीज़। यहाँ से ऊपर ज़्यादा ब्रेकआउट होगा, लेकिन यहाँ पे रीटेस्ट किया है कंपनी ने और यहाँ पे अभी अर्निंग का वेट कर रहा है। आई थिंक इस अर्निंग की डेट है 19 मई, जो अब एक्चुअल में अब अप्रॉक्स डेट निकाली जा रही है। यहाँ पे अगर अर्निंग्स आती है तो यहाँ से एक डिसाइडेबल ये बैट होगी कि यहाँ से आप इसको कितना ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हो। फिलहाल ये जो इसका ऊपर का लेवल है 490 का लेवल है, 485 से 490 का जो लेवल है वो वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का फेस करना पड़ रहा है। रेजिस्टेंस कंपनी को 3 ट्राई कर चुकी है कंपनी, आप यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ से नीचे आ जाती है तो आपको जो एक प्योर सेफ चलना है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 489 या 490 से ऊपर अगर कंपनी सस्टेन करती है, क्लोजिंग देती है, तो आपको वहाँ पे लेना है। अगर कैंडल क्लोज नहीं होती है 490 के ऊपर तो आपको वहाँ से अभी फिलहाल टेम्प्रोरी बेसिस पे कोई भी मूवमेंट नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ आपको इसे वॉच लिस्ट में रखना। अब यहाँ से बात करते हैं स्टॉप लॉस की। अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है कंपनी में तो आप रख सकते हैं 422 का। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है और वहाँ से वापस से रीटेस्ट होता है रिजल्ट से या किसी भी कारण अच्छा नहीं आता, तो आपको एक लेवल याद रहना चाहिए 422 पे। आप इसे एक जो स्टॉप लॉस है उसे आप फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप वहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे तो आपको स्टॉप लॉस नीचे के मिलेंगे 338 और 320 के स्टॉप लॉस आप यहाँ पे जरूर लगाइएगा स्टॉक के अंदर, बिकॉज अगर करेक्शन होगी तो बहुत बड़ी करेक्शन भी आ सकती है। ऐसे स्टॉक्स में हमारे पास जो मार्केट कैप छोटा होता है जिसकी वजह से जो स्टॉक है उनको मूव करना ईजी हो जाता है, इसलिए जो करेक्शन होती है वो भी बहुत लंबी चल सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको स्टॉप लॉस अपना तैयार रखना है और यहाँ पे अपना प्रॉफिट और अपने कैपिटल को दोनों को बचाना है। यहाँ से जो अभी ब्रेकआउट की जो उम्मीदें हैं वो वापस यहाँ से आ सकती है, जब अर्निंग्स आती है, अर्निंग्स अच्छी आती है तो यहाँ से एक और अच्छा आपको मूव देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको 490 के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए। आज की वीडियो यही थी हमारे पास, हमने एक और वीडियो बनाई है अभी फिलहाल, इससे पिछले वाली आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा। और आज के दिन की ये वीडियो हमारी थी सेकंड वीडियो। आज की वीडियो की बहुत सारे अपडेट थी हमारे पास जिसको आपको सुनना चाहिए, और आज का दिन शायद आप लोगों के लिए अच्छा गया होगा बिकॉज आज सारी मार्केट ऊपर थी, इंडिया की मार्केट पूरी तरीके से ऊपर थी। तो आज की वीडियो यही थी, IMFA कंपनी का नाम, अगर आपको कंपनी को रिसर्च करना है आइए इस स्किनर पे और इस कंपनी को जरूर चेक कीजिएगा, इंडियन मेटल्स कंपनी का शॉर्ट फॉर्म। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगले कोई स्टॉक्स अगर आपकी रिकमेंडेशन में है तो आप उसे भी बताइएगा, हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे। और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आती है या प्रॉफिट मिलता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।